नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोज़ देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो फतेहपुर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से एक फतेहपुर ज़िला के नाम से जाना जाता है। यह ज़िला भारत देश के उत्तर पूर्व दिशा की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ज़िलों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। फतेहपुर ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम कौशाम्बी ज़िला, हमीरपुर ज़िला, रायबरेली ज़िला, कानपुर नगर ज़िला, उन्नाव ज़िला और चित्रकूट ज़िला है। फतेहपुर ज़िला में 3 तहसील, 13 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 6 विधानसभा, 20 पुलिस स्टेशन, 19 बैंक, 6 विश्वविद्यालय, 1 मुख्य डाकघर, 7 नगर पालिका, 9 मुख्य सरकारी अस्पताल और 1521 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो फतेहपुर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 4152 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार फतेहपुर ज़िला की कुल आबादी 26,32,733 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 13,84,722 और महिला की कुल आबादी 12,48,114 है। फतेहपुर ज़िला का औसत लिंगानुपात 901 के करीब है, यानी कि फतेहपुर ज़िला में 1,000 पुरुष पर 901 महिला हैं। फतेहपुर ज़िला के मुख्य नदी का नाम यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 124 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 570 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में पहुंचा जा सकता है। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 2 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ज़िलों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो फतेहपुर ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम फतेहपुर रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म शामिल है और इस रेलवे स्टेशन की स्थापना 1859 में की गई थी। बाद में 1966 से 1967 के बीच इस रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफाई किया गया था। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड FTP है और फतेहपुर रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मुगल सराय लाइन पर स्थित है और यह रेलवे स्टेशन इलाहाबाद डिवीज़न के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो फतेहपुर ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 67% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 67% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज, योगराज सिंह लॉ कॉलेज, मुस्लिम इंटर कॉलेज, सदाशिव इंटर कॉलेज, संस्कृत इंटर कॉलेज, ठाकुर योगराज सिंह डिग्री कॉलेज। ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं, जो आसपास के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ के टूरिस्ट स्थल में शुमार हनुमान मंदिर,
श्री तांबेश्वर बाबा मंदिर, श्री शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर, श्री मोटेश्वर महादेव मंदिर, श्री शाही मंदिर आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ होंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए पूरा आपको दिल से धन्यवाद।